निकल जाएगा। बेलथरा रोड विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गोरख पासवान का टिकट कटने से खास तौर पर पासवान समाज के लोग आक्रोश में हैं, जबकि गोरख पासवान समाजवादी पार्टी से एक मजबूत दावेदार के रूप में बेलथरा रोड विधानसभा सीट से देखे जा रहे थे, लेकिन वहां सुभाषपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। ऐसे में गोरख पासवान को वहां से टिकट नहीं मिला। हालांकि वो बहुत प्रयासरत थे और क्षेत्र में बड़ कड़ी मेहनत कर रहे थे, लोगों के बीच में जाके अखिलेश यादव की नीतियों का जन जन तक पहुँचाने का काम वो कर रहे थे, लेकिन जो आज सूची जारी हुई जिसमें सुभाषपा के कोटे में वो सीट चली गई, जिससे वहाँ सुभाषपा ने अपना प्रत्याशी उतारा। वहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग सुभाषपा के वहाँ प्रत्याशियों के साथ हैं, वहीं पासवान समाज के लोग इस निर्णय का कड़ा विरोध कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि आखिर क्या रह गया जिसके कारण ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने टिकट न देकर खासतौर पर उस सीट को सुभाषपा के झोली में डाल दिया। आइए बात करते हैं। आपका नाम कौन बोलेगा, क्या नाम है आपका? बताइए क्या नाम है आपका? सियाराम पासवान जी। सियाराम पासवान जी, आज आप नामांकन स्थल पर हैं और यहाँ पे आप अपने समाज के लोगों के साथ हैं, तो क्या मामला है, क्या गोरख पासवान को लेकर क्या मामला चल रहा है? ऐसा है कि सपा के साथ हम लोग थे, सपा और सुभाषपा के साथ हम लोग थे, पंचायत चुनाव में भी हम लोगों की उपेक्षा की गई, एक सीट नहीं दिया गया हम लोगों को, और हम लोग फिर भी हम लोग जो है बने हुए थे, और हुआ कि चलिए विधानसभा में हम लोगों को सीट मिलेगी, लेकिन विधानसभा में भी जो है हम लोगों को की उपेक्षा की गई है, घोर उपेक्षा की गई है। हम लोग जनपद में 2.5 लाख के लगभग जो है हमारी जनसंख्या है, हम दुसाद वंश के लोग जो है, हम लोग ये इस मिशन पर अब आ गए हैं कि अगर हमको टिकट नहीं तो सपा को वोट नहीं, तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, फिर आपका वोट जाएगा कहाँ, फिर बैठेगा फिर जहाँ जाए। अब इसके लिए जो है अलग से रणनीति तैयार की जाएगी कि हम लोग वोट कहाँ देंगे। बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र में पासवान समाज की क्या संख्या है? बेलथरा रोड विधानसभा में पासवान की संख्या 18,000 है जी, 18,000 के लगभग वोट है। आपके नेता जो खास तौर पे आपका ये कहना ना गोरख पासवान को टिकट नहीं मिला, जिसमें 18,000 जो आपके मतदाता हैं वो कहीं और मत करेंगे? सातों विधानसभा में और कहां पासवान समाज के लोग वोट मांग रहे थे, कहां टिकट मांग रहे थे? नहीं टिकट मांग नहीं, एक सीट तो हम मांग रहे थे, एक सीट की जगह पर जो है हम पूरे जिले भर का वोट लेकर चल रहे थे हम लोग, लेकिन जो है एक सीट नहीं दिया गया, इसलिए पूरे जिले भर में हम लोग बाइकॉट। 2012 में और 2017 में, 2012 में अखिलेश यादव ने उनको लड़ाया चुनाव जीते, 2017 में भी अखिलेश यादव ने उनको लड़ाया चुनाव हार गए, फिर 2022 में एक प्रयास था लेकिन वो सीट सुभाषपा के झोली में चली गई, ऐसे में वो अखिलेश यादव की उस सीट हाथ से निकल गई, ऐसे में फिर आक्रोश का क्या मतलब निकल रहा है? आक्रोश का मतलब क्यों नहीं है, सुभाषपा के खाते में निकल गई तो सुभाषपा से भी तो पासवान थे, सुभाषपा को कौन था वहाँ पासवान में? पासवान थे खुद हम थे, दिनेश पासवान। क्या नाम है आपका? सियाराम पासवान। आप भी टिकट के दौर में थे? बिल्कुल दौर में थे, और दिनेश पासवान थे, हीरा पासवान थे, रामाश्रय पासवान थे, कई पासवान लगे हुए थे, सुभाषपा से टिकट मांग रहे थे। हा? तो आपके कहने का मतलब है कि अगर टिकट देना ही था तो इनमें से किसी को मिलना चाहिए था, लेकिन हमारी दावेदारी बनती है, हम 2.5 लाख जनसंख्या में हैं इस जनपद में, और हमारा 2.5 लाख वोट जाता है, और हमको एक सीट न मिलने से हमारी घोर उपेक्षा हुई है। इस उपेक्षा का बदला क्या कैसे होगा, क्या आप बदला लेंगे क्या? आप इस उपेक्षा का जो है हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे कि हमको रणनीति में क्या करना है, क्या करना है, हमको कहाँ वोट देना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी से अगर ये सीट निकल के सुभाषपा की झोली में गई तो सुभाषपा से भी कई दावेदार पासवान समाज के वहाँ थे, ऐसे में आधा दर्जन सुभाषपा से पासवान समाज के लोग भी वहाँ टिकट मांग रहे थे, लेकिन सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पासवान समाज को टिकट न देकर किसी और को टिकट दिया है, इसको लेकर पासवान समाज के लोग खासतौर पर जनपद के लोग नाराज और चल रहे हैं। ऐसे में उनका यह निर्णय है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, कहां उड़ देंगे वक्त बताएगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही, देखते रहे यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।